हाँ ये तो। अच्छा चेकबॉक्स की इम्प्लीमेंटेशंस को देख लेते हैं। चेकबॉक्स के लिए अब एक चेकबॉक्स हमने लगाया हुआ है, पहले उसी को थोड़ा सा इस मेथड से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे इसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, ये समझ लें कि आपके पास एक सेट ऑफ कोडिंग आ गई। अब ये मुझे लगानी है चेकबॉक्स के ऊपर, ये रहा चेकबॉक्स। तो अभी जो हमने इसके अंदर ये यूज़ किया हुआ था, अब हम इसको इस तरह से दे देंगे। जैसे ये था ना बी टी एन, ये था चेक बॉक्स चेक वन डॉट सेट ऑन चेक चेंज लिसनर। इसको मैंने लिखा था दिस, दिस का मतलब ये है कि इसका जो मेथड अवेलेबल है वो विद इन दिस क्लास अवेलेबल है। अब मैं ये जो दिस की ये जो चीज़ है ना, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक्चुअली हम भी यही काम कर रहे होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं चेक वन डॉट सेट ऑन चेक चेंज लिसनर। तो इसकी जो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर, अब ये एरर इस वजह दे रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि इसको एक मेथड है ऑन चेक चेंज का ना, वो आपने यहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जो है ना आप यहाँ पर दे देंगे व्यू, इसी क्लास का नाम दे देंगे, इसकी क्लास का नाम है जनाब ऑन चेक चेंज लिसनर। ठीक है, फिर अब इसके मेथड का नाम दे देंगे। अब इसका जो मेथड था उसका नाम था हमारे को, नहीं नहीं ऑन क्लिक का एरर नहीं दे रहा, पहले एरर ये दे रहा था कि आपने इसको जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया उसकी इंटरफेस क्लास नहीं बताई। अब उस इंटरफेस क्लास का मेथड नहीं बताया, तो ये बता रहे हैं हम इसको। जैसे चेकबॉक्स की अगर आप क्लास को खोल लें तो इसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ऑन चेक चेंज लिसनर हो गया, ठीक है, इसी क्लास हो गई। अब इसके जो मेथड है वो ये है, हाँ, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको आप यहाँ पर दे देंगे। नहीं मेथड कौन सा रखा है, वो तो हमने इसके लिए रखा था ना, अब यहाँ से हटा देंगे ना इसको, इम्प्लीमेंटेशन उसकी हटा दी ना, क्योंकि अब हम उसको एनोनिमस मेथड से करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से तो हमें एक मेथड मिलता सिर्फ। भाई पहले ये हमने यानी दो तरीके हैं इवेंट हैंडलिंग करने के, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ उस क्लास को इम्प्लीमेंट करें, उसका मेथड आपको नीचे मिल जाएगा, जैसे हमें यहाँ पर मिल गया तो यहाँ पर उसकी इवेंट हैंडलिंग कर लें, ये तो एक तरीका है ना। दूसरा तरीका मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक एनोनिमस क्लास बना लें। एनोनिमस क्लास की मैंने आपको कोडिंग समझाइए, इसमें आप लिखते हैं चेक बॉक्स ऑन सेट ऑन चेक चेंज लिसनर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे क्लास का नाम, जैसे चेक बॉक्स में जो क्लास का नाम है वो लिख देंगे आप, और इसके अंदर आप लिख देंगे इसके मेथड का नाम, यानी जो भी मेथड है इसका जिस पे आपको इवेंट हैंडलिंग करनी है उसको कर देंगे। अब जो नीचे वाला मेथड है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, उसको ख़त्म कर देंगे। हाँ कौन सा सर, वो अलग क्लास बनाई हुई ना इंटरफेस, हाँ अलग बनाई है, हाँ ये बिल्ट इन होता है, ये चेक हर चेक बॉक्स में या हर बटन में इसका लिसनर बिल्ट इन होता है कि इसको लिसन कौन करेगा, इसका फंक्शन होता है ये। अच्छा, यानी हम यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं ना, सेट ऑन चेक चेंज लिसनर, हाँ है? जैसे इससे इससे पहले मैंने आपको ये समझाया था, हमने यहाँ लिख दिया था दिस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था दिस, दिस का मतलब ये था कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसका जो मेथड है वो इसी क्लास के अंदर मौजूद है, नहीं है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन से प्रोवाइड कर देंगे, फिर ऊपर वहाँ से उसको हटा देंगे, और नीचे का जो मेथड है वो भी हमारे लिए यूज़लेस हो गई है, तो उसकी भी कोडिंग वहाँ से हटा देंगे। तो ये ऑल्टरनेट वे जो है ना हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, और उसका रीज़न मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअली हमें मोर देन वन चेक बॉक्स के ऊपर काम करना है, हाँ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको आप डिलीट कर दें। और ये जो इसकी इवेंट हैंडलिंग की कोडिंग है, अगर बड़ा मेथड होता है तो कोई प्रोसीजर बना लेते हैं, और अगर छोटी मोटी कोडिंग है जैसे अभी इस वक्त हम करना चाह रहे हैं तो मैं यहीं पर उसको टाइप कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि अगर जो है चेक बॉक्स जो है उसका वो होगा चेक होगा तो हम उसको कह देंगे कि चेक्ड है, और एल्स की सूरत में उसको। अच्छा ये देखें, इस चेक का इवेंट जो है ना ये सिर्फ इसी के ऊपर लगा हुआ, तो जब ये उसको कह रहा है कि अगर वो चेक होगा तो हम उसको हम चेक कर देंगे, और अगर वो अनचेक होगा तो इसको हम यहाँ पर अनचेक कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और उसको चला के देखते हैं। तो ये तो ऑल्टरनेटिव वे से हो गया। अब ऑल्टरनेटिव वे का फ़ायदा हम एक और चेकबॉक्स बना सकते हैं,
हाँ उसमें नहीं लगा सकते क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में एक ही मैथड मिलता। अब यहाँ पर हम जितने एनोनमियस इसको मैथड डिफाइन करते जाएंगे, यानी क्लासेस डिफाइन करते जाएंगे, उतने आपको मैथड मिलते जाएंगे। वो इस तरह कि हम आसान से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं बटन जब मैं कैलकुलेटर बनवा रहा था उसमें भी ये करवा सकता था लेकिन मुश्किल हो जाता, लेकिन ये है कि इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी एट द एंड। और एक और चीज़ है कि एंड्रॉइड के अंदर ना कभी भी चीज़ों को रटने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश कर रहे। ये तो कोडिंग तो मुझे भी आता ही नहीं समझ याद होती कि यार इस किस तरह से लिखते हैं, मैं भी अपनी हेल्प के लिए उसको रखता हूँ, और लेकिन मुझे ये पता है कि इसको चेंज किस तरह से करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरफेस क्लास का नाम यहाँ आना चाहिए और उसका मैथड आप इसको इस तरह से लिख लो और वहाँ यहाँ लिख दो। अब इसे कॉमा बॉक्स में इंप्लीमेंट कर देंगे तो उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ आते हैं। जैसे ही चेक बॉक्स क्लिक किया चेक हो रहा है वैल, ठीक है। यानी अब उस मेथड से आप एक और चेक बॉक्स बना लेते हैं इसके अंदर, उस पर भी लगा लेंगे। तो एक और चेक बॉक्स के लिए यहाँ बना लेते हैं, फ़ोन नंबर हटा देने ज़रूरत नहीं इसकी। उसके आगे तो हाँ यहाँ पर मुझे ना बेसिकली एक ग्रिड लेना पड़ेगा फिर। अब इस टेबल रॉ को डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसमें एक ग्रिड उठा के डालेंगे और उस ग्रिड के अंदर आप दो कॉलम ले लेंगे तो फिर ये यूज़ होगा। या फिर एक और काम कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एक और चेक बॉक्स दे देते हैं, दो चेक बॉक्स हो सर ना, अभी कोडिंग से काम है ना तो ये दो चेक बॉक्सेस हो गए। तो ये तो इसकी हमने जो आईडी सेट की थी वो थी CHK सैंड, और ये जो है ना इसको कर देते हैं CHK मैसेज CHKM, तो ये दो होगा। अब इसकी भी इवेंट हैंडलिंग कर लेंगे, पहले रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे इसको चेक बॉक्स दिया CHK2। इसको यहाँ रेफरेंस क्लिक बना देते हैं और जैसे पूरी कोडिंग हमारी यूज़ हो जाएगी तो इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। फॉर चेक बॉक्स टू दिया CHK2। यहाँ रेफरेंस चेंज कर देंगे इसको, CHKM CHK2 पे भी यही मेथड आ जाएगा। अब ये एक और मेथड मिल गया, अब इसमें जो हम मैसेज सेट करेंगे वो CHK2 पे करेंगे, मैसेज एम चेक्ड एम अनचेक्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चेक बॉक्सेस भी हो गए, 10 चेक बॉक्सेस भी होने हैं तो उसमें भी हमें कोई इशू नहीं, उसकी वर्किंग हमारे पास इसी तरीके से वर्क कर रही होगी। इसको रन करते हैं, जैसे इसको क्लिक किया तो चेक्ड क्या अनचेक्ड, ये क्या एम चेक्ड एम अनचेक्ड, वो इधर रहना कि वो टैक्स टैक्स छोटा बड़ा हो रहा है।
नहीं टेबल रॉ की वजह से हो रहा है उसके अंदर, चेक जो है ना, चेक बॉक्स जो है ना वो छोटा बड़ा हमने लिखा है, चेक लिखा है वन, चेक लिखा है उसकी वजह से उसको यूज़ कर रहा है, वरना जो है ना। हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, कर सकते हैं वो तो, कर सकते हैं मतलब, हाँ इसी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आप ये रेफरेंस वेरिएबल तो आपको यहाँ पर गेट हो रहा है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ये जब ये चेक होगा तो चेक बॉक्स टू जो है ना उसको, हाँ उसके अंदर जो है ना आप अनचेक कर दें। डॉट ना सेट चेक्ड की जो फंक्शन है उसको आप फॉल्स कर देंगे तो उसको अनचेक कर देंगे। हाँ बिल्टिंग यानी किसी भी प्रॉपर्टी को सेट करने का इधर होता है सेट या गेट। नहीं नहीं ये तो वो अलग चीज़ है, वो तो बेसिकली हम कोडिंग करते ही नहीं थे ना वहाँ पर, तो बटन को डबल क्लिक करते थे उसके रेफरेंस वेरिएबल हमें नहीं पता था कहाँ होते थे, यहाँ तो सारे काम ही खुद कर रहे हैं। इसको बंद कर दे तो ये चेक बॉक्स की इवेंट हैंडलिंग है इसके अंदर।